आज हम डॉक्टर से बात करेंगे अबाउट दिस रेगुलर इरेगुलर हार्ट बीट का क्या है फंडा। हमने सुना है, शायरों ने बोला है, इसको देख के मेरी दिल की धड़कन बढ़ गई, इसको देख के मेरी दिल की धड़कन थम गई। सो ये सब एबनॉर्मल चीजें हैं। जब बढ़ती है कम होती है, तो प्लीज ये मत कहिए कि प्यार हो गया या कुछ ऐसे हो गया। द थिंग इज, दिस इज अ रियलिटी एंड दिस इज The up and down of heartbeat. तो मैम क्या इसका कोई इलाज है? हम रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन से ठीक कर सकते हैं। इट इज लाइक अगर लेमैन लैंग्वेज में बोले तो एक लेजर कर देते हैं और उस एक्स्ट्रा वायर को हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं। टेक्नोलॉजी अभी क्या आने वाली है, क्या क्या एडवांसमेंट हो रहे हैं? जैसा कि आपने एआई के बारे में ही बताया। I mean, imagine, heart के अंदर दो कैप्सूल पड़े हुए हैं, they are talking to each other through Bluetooth. They are communicating with each other through Bluetooth. That's where technology is going now. हेल्थ लाइफ के इस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हार्ट हेल्थ के बारे में। हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर वनीता अरोड़ा, हु इज अ वेरी वेल नोन कार्डियोलॉजिस्ट। तो मैम से पूछेंगे कुछ जनरल सवाल हार्ट के बारे में, और कुछ ऐसे भी सवाल जिसके बारे में आपने सोचा होगा कि यार ये क्या है एग्जैक्टली। तो इसीलिए मैं बात करने वाला हूँ अबाउट योर हार्ट बीट। इरेगुलर हार्ट बीट जब लोगों को होते हैं तो क्या होता है बॉडी में? कई लोगों का हार्ट बीट स्लो होता है तो कई लोगों का फास्ट। हमने एथलीट जैसे कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में सुना है कि बचपन में उनका हार्ट बीट काफी फास्ट होता था, इरेगुलर हार्ट बीट का उनको इश्यू था, लेकिन फिर इवेंचुअली आफ्टर गेटिंग हिमसेल्फ ऑपरेटेड फिर वो ठीक हुए। तो आज हम डॉक्टर से बात करेंगे अबाउट दिस रेगुलर इरेगुलर हार्ट बीट का क्या है फंडा। तो मैम व्हाट इज एरिथमिया एग्जैक्टली, इफ यू कैन टेल अस अबाउट दैट। Thank you so much, Harshvardhan, first of all, for having me on this show. And secondly, you are actually talking about my favorite subject, that is heartbeats. दिल की धड़कनों के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो दिल की धड़कने हमने सुना है, शायरों ने बोला है, इसको देख के मेरी दिल की धड़कन बढ़ गई, इसको देख के मेरी दिल की धड़कन थम गई। सो ये सब एबनॉर्मल चीजें हैं। जब बढ़ती है कम होती है, तो प्लीज ये मत कहिए कि प्यार हो गया या कुछ ऐसे हो गया। द थिंग इज, दिस इज अ रियलिटी एंड दिस इज द अप एंड डाउन ऑफ हार्ट बीट बियॉन्ड अ सर्टन रेंज इज कॉल्ड अरिथमिया। वेन एवर यू हैव अ फास्टर हार्ट बीट और अ स्लोअर हार्ट बीट, इट इज अरिथमिया। इफ इट इज फास्टर हार्ट बीट, इट इज टैकी अरिथमिया। इफ इट इज स्लोअर हार्ट बीट, इट इज ब्रैडी अरिथमिया। ब्रैडी मतलब स्लो, टैकी मतलब फास्ट, राइट? एंड हार्ट बीट जब भी ऊपर नीचे होती है तो इट गिव्स सिम्टम्स, राइट? सो सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, जैसे अगर टाकी अरिथमिया है, किसी को हार्ट बीट फास्ट हो रही है, तो उसको पैल्पिटेशंस हो सकती हैं, स्वेटिंग हो सकती है, आंखों के आगे अंधेरा आ सकता है, बीपी ड्रॉप हो सकता है, सिंकिंग फीलिंग हो सकती है, राइट? और अगर ब्रैडी अरिथमिया है, तो ब्रैडी अरिथमिया में बेहोशी आ सकती है, अगेन आंखों के आगे अंधेरा, चक्कर जैसे आ सकते हैं, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। ये सब सिम्टम्स इसके हार्टबीट के वेरिएशन के कारण हो सकते हैं। तो मैम क्या इसका कोई इलाज है? इज इट, इफ इट इज अबनॉर्मल तो फिर क्या इसको हम ट्रीट करा सकते हैं? बिल्कुल इलाज है इसका, को ठीक करने का बिल्कुल इलाज है। मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, वो बोलती है बिजली का लोचा, तुम बिजली के लोचे के साथ डील करती हो। तो एक्चुअली बिजली, जो हार्ट की बिजली है, जो हार्ट बीट है, उसका लोचा होता है, तो उसको ट्रीट करने का तरीका होता है। सी, इफ यू हैव अ फास्टर हार्ट बीट, अगर आपको हार्ट बीट फास्ट हो रही है, जनरली इट इज एसोसिएटेड विद द अपर चेंबर ऑफ द हार्ट। ऊपर के चेंबर से हार्ट बीट फास्ट हो रही होती है, दैट इज काइंड ऑफ अ सेफर हार्ट बीट। वो जानलेवा खतरे को नहीं करती है, इनवाइट नहीं करती है, उसमें न्यूसेंस वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि कभी भी शुरू हो जाती है। आप सोए हुए शुरू हो गई, आप सड़क क्रॉस कर रहे हैं शुरू हो गई, आप सीढ़ियां चढ़ के जा रहे हैं शुरू हो गई। उसका परमानेंट इलाज दिया है भगवान ने हमारे को। परमानेंट इलाज कैसे होता है, हम लोग ईपी स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडी। जैसे इलेक्ट्रिसिटी की, हार्ट की इलेक्ट्रिसिटी की स्टडी को हम इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडी बोलते हैं, ईपी स्टडी। वो हम करते हैं कैथ लैब में। हमारे पास एक सिस्टम होता है जिसमें हम हार्ट के अंदर की ईसीजी ले सकते हैं, कैथेटर्स हार्ट के अंदर डालते हैं और हार्ट के अंदर की ईसीजी को हम एनालाइज कर लेते हैं। उसके बाद हम वहां देखते हैं, गलती से मैं बता रही हूँ,
वहां एक एक्स्ट्रा वायर लग गई होती है। ये होती तो बाय बर्थ है, पर एक्टिवेट किसी भी टाइम हो जाती है लाइफ में। इसकी वजह से धड़कन की, दिल की धड़कन फास्ट होती है। तो उस एक्स्ट्रा वायर को हम रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन से ठीक कर सकते हैं। इट इज लाइक, अगर लेमैन लैंग्वेज में बोले तो लेजर कर देते हैं और उस एक्स्ट्रा वायर को हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं। एक बार वो एक्स्ट्रा वायर नहीं रहती तो वो सर्किट नहीं बनता जो दिल की धड़कन फास्ट करता है और पेशेंट्स के सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं। दिस इज अ परमानेंट क्योर फॉर दिस फास्टर हार्ट बीट। ओके, अब अगर फास्टर हार्ट बीट नीचे के चेम्बर से आ रही है तो वो थोड़ी खतरे वाली बात होती है, क्योंकि उसमें ब्लड प्रेशर ड्रॉप करता है एंड सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकती है। उसमें से भी अबाउट काफी कॉमन चीजें हैं जो अगर हार्ट फंक्शन नॉर्मल के साथ हार्ट बीट फास्ट होती है नीचे के चेंबर से, उसकी भी एब्लेशन हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं एंड इट गिव्स अ वेरी गुड सक्सेस रेट। नाउ अगर हार्ट बीट नीचे के चेंबर से, आपका हार्ट अटैक हुआ है, आपका हार्ट फंक्शन कमजोर है और उसके कारण स्कार बना हुआ है हार्ट में और उससे हार्ट बीट फास्ट हो रही है, तो तब हम एक डिवाइस लगाते हैं जिसको आईसीडी बोलते हैं, इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर। ये हम आईसीडी चेस्ट में लगा देते हैं। दिस इज लाइक एन इमरजेंसी बॉक्स इन द चेस्ट विच मॉनिटर्स योर हार्ट बीट। ईच एंड एवरी हार्ट बीट इट विल मॉनिटर एंड वेन एवर यू गेट अ फास्टर हार्ट बीट विच कैन टेक योर लाइफ, विच मीन्स इट कैन कॉज सडन कार्डियक डेथ, तो वो एक शॉक डिलीवर करके आपकी लाइफ को बचा लेता है। आपने मूवीज में देखा होगा कई बारी हॉस्पिटल के सीन होता है तो उसमें ऐसे डीफिब पैचेस लगाते हैं छाती में जिसमें वो उछलते हैं लोग, यू नो दैट शॉक इज एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। हम वैसा ही शॉक बॉक्स छोटा सा छाती के अंदर लगा देते हैं ताकि आपको सडन कार्डियक अरेस्ट या सडन कोलैप्स नहीं हो। तो इस तरह से तो हम फास्टर हार्ट बीट्स को डील करते हैं। अगर हार्ट बीट स्लो हो जाती है देन इट इज लाइक, यू नो, अगर घर की बिजली चली जाए तो क्या करते हो आप? इन्वर्टर लगाते हो या जनरेटर लगाते हो, राइट? जी उसके लिए हम एक पेसमेकर लगा देते हैं स्लो हार्ट बीट के लिए। वो पेसमेकर भी छाती में लगता है एंड इट दिस इज अ बैटरी विच थ्रू द लीड्स गिव्स द एनर्जी टू द हार्ट सो दैट द हार्ट बीट रिमेन्स नॉर्मल। मैं पेसमेकर थोड़ा डिफरेंट तरीके से लगाती हूँ। मैं पेसमेकर लगाती हूँ लीडलेस पेसमेकर, जो कि टांग के नाड़ी के थ्रू विदाउट अ सर्जरी, विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन के कारण, जो सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उसके बिना लीडलेस पेसमेकर टांग के नाड़ी के थ्रू लगाती हूँ। कैथेटर पे माउंट करके उसको हार्ट के नीचे वाले चेंबर में लगा देती हूँ, राइट नीचे वाले चेंबर में। सो लीडलेस पेसमेकर इज द न्यूएस्ट टेक्नोलॉजी इन पेसिंग। मैम, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग जो आपने चीज़ें कहीं. तो मैं वन बाय वन जाऊंगा. सबसे पहले मैम, मैं जानना चाहूंगा ऑन रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन. अब इसको मैम थोड़ा और अगर हम डिफाइन कर सकते हैं इन द सेंस कि कितने तरीके के होते हैं, और सिंपल वर्ड्स में फॉर लेमन कि कैसे ये वर्क करता है. रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन, रेडियो फ्रिक्वेंसी की हीट यूज करते हैं हम लोग कैथेटर्स के थ्रू। कैथेटर में रेडियो फ्रिक्वेंसी के लेवल की हीट यूज करते हैं। एब्लेशन मतलब उसको डिस्कनेक्ट करना, द एब्लेशन इज द टेक्निकल वर्ड। सो जैसे लेजर करते हैं, लेजर आप समझते हैं, सब लोग लेजर बड़े आराम से समझते हैं। रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन साउंड्स लिटिल डिफिकल्ट, बट लेजर जो वर्ड है वो हम आराम से समझते हैं भी। हाँ, कुछ काटा फीटा नहीं है, सिर्फ लेजर से कर दिया। तो वही समझ लीजिए कि हम कुछ काटते फिटते नहीं है, हम लेजर कर देते हैं। रेडियो फ्रिक्वेंसी के लेवल की हीट यूज करते हैं एंड वहां पे एब्लेशन मतलब उसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं। नाउ रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन जो होता है वो एक 2D होता है, एक 3D होता है। 2D हम सिंपलर एरिथमियाज के लिए बोलते हैं, जो नॉ कॉमन एरिथमियाज होते हैं उनके लिए हम 2D सिस्टम यूज करते हैं, जो हमारे एक कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम होता है। उसमें हम इलेक्ट्रोग्राम्स रीड करते हैं, हमारे सामने बहुत सारे इलेक्ट्रोग्राम्स आ जाते हैं एकदम से, ईसीजी से ओवर एंड अबव, ये डायरेक्ट हार्ट के अंदर से हम इलेक्ट्रिसिटी स्टडी करते हैं। तो वो हमारे सामने कंप्यूटर पे चल रहे होते हैं एंड वो उसको स्टडी करके हम एनालिसिस करते हैं कि ये हार्ट बीट कहाँ से फास्टर हो रही है, और फिर वहां स्पेसिफिक जगह पे जाके वी गिव रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन। हम हीट देते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी के लेवल की और उसको ठीक कर देते हैं। दूसरा सिस्टम होता है 3D का। नाउ 3D इज एन अमेजिंग सिस्टम।
इट्स अ ब्यूटिफुल एंड एन अमेजिंग सिस्टम बिकॉज एक तो पूरा हार्ट का मैप क्रिएट हो जाता है. जो भी चेंबर, हार्ट के चार चेंबर होते हैं, दो ऊपर के चेंबर, दो नीचे के चेंबर, जहां से भी इलेक्ट्रिसिटी का लोचा हो रहा होता है, हम उस चेंबर का 3D मैप बना लेते हैं. हमारे सामने पूरा 3D मैप बन जाता है. वो हम बनाते हैं क्योंकि वो कैथेटर के साथ हम पूरी मैपिंग करके उसको क्रिएट करते हैं. और 3D का जो मैप बनता है उसमें हम डिफरेंट तरीके के मैप बनाते हैं. हम वोल्टेज मैप बनाते हैं, हम एनाटॉमिकल मैप बनाते हैं, हम प्रोपोगेशन मैप बनाते हैं, हम एक्टिवेशन मैप बनाते हैं. ये सारे मैप्स बना के हम अपने सामने ले लेते हैं और हमारे को एग्जैक्टली हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे सब कुछ दिख रहा होता है कि हार्ट के अंदर चल क्या रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का लोचा कौन सा चल रहा है. फिर उसके प्रिसाइज पॉइंट पे जाके हम रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन करके उस अरिथमिया को ठीक करते हैं. इट इज वेरी इंटरेस्टिंग. यू शुड कम टू आवर लैब समडे, आपको दिखाते हैं, यू विल बी अमेज्ड. साइंस फिक्शन जो मूवीज देखते हो ना, वो देखना छोड़ दोगे, आप हमारी लैब में आओगे तब. मैम, इसी टेस्ट के ऊपर मैं ये पूछना चाहूंगा कि जब कोई कराना चाहेगा ये टेस्ट, तो वो ये जरूर इंक्वायर करते हैं कि इसमें सक्सेस रेट और सेफ्टी कितनी होती है। तो मैम, इसके बारे में अगर आप थोड़ा बताएं। सक्सेस रेट और सेफ्टी सेफ्टी. ओके ओके. नाउ दिस प्रोसीजर ऑफ रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन इज मोर सेफर देन क्रॉसिंग अ दिल्ली रोड. वाओ जितना रिस्क आप दिल्ली की रोड क्रॉस करने में ले रहे हैं, उससे कम रिस्क है इस प्रोसीजर में. ये प्रॉब्लम से चैलेंज इसलिए हमें ज्यादा आता है पेशेंट को कन्विंस करने के लिए, बिकॉज इसकी अवेयरनेस नहीं है. अगर आप किसी को हार्ट अटैक के बारे में, एंजियोग्राफी के बारे में, एंजियोप्लास्टी के बारे में पूछने जाएंगे, तो आपको दो तीन चीजें पेशेंट ही बता देगा एक्स्ट्रा. ठीक है, वो बता देंगे हमें ये पता है, हमें वो पता है, ऐसे स्टेंट होता है, मैडम ये वाला स्टेंट लगा दो, मैडम ये कर दो, वो इस तरह की चीजें बता देते हैं. लेकिन जब मैं उनसे ईपी स्टडी या इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडी की बात करती हूँ या रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन की बात करती हूँ, तो उनको अवेयरनेस ही नहीं होती है, पता ही नहीं होता कि क्या हो रहा है. इसलिए इट इज द लैक ऑफ अवेयरनेस दैट स्केयर्स अस. हमें जिस चीज के बारे में पता हो तो हम उससे स्केयर नहीं होते ना. जी सो रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन इज अ वेरी सेफ प्रोसीजर. नाउ द सक्सेस रेट ऑफ सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, जो कि हार्ट के ऊपर के चेंबर्स से, जो हार्ट बीट्स फास्टर होती हैं, उसका सक्सेस रेट विद रेडियो फ्रीक्वेंसी टू द ट्यून ऑफ 99%. लाइफ में 100% कुछ नहीं होता. ठीक है, 100% कुछ नहीं होता है, इसलिए 1% का हम लोग अपने पास रखते हैं रेकरेंस का रेट, कि अगर वो फाइबर्स पूरे हीट से बर्न नहीं हुए या अडीमा से वो वापस रिकवर कर गए हैं, या यू नो कई बार वो फाइबर्स अपने नॉर्मल सिस्टम के बहुत पास होते हैं, तो हम लोग एब्लेशन नहीं करते, इसलिए सक्सेस रेट में 99% बता रहे हैं. ठीक है, तो उसका बहुत अच्छा सक्सेस रेट है. यू विल नेवर हैव टू गो एंड सी अ डॉक्टर अगेन फॉर दैट प्रॉब्लम. जो नीचे के चेंबर से एब्लेशन होती है, उसके भी कुछ एब्लेशंस तो 99% सक्सेस रेट के साथ ही होते हैं, लेकिन कुछ स्कार वीटीज जैसे होते हैं या अरिथमियाज इस तरह के होते हैं जो कि मायोकार्डाइटिस की वजह से स्कार बन गया है या हार्ट अटैक की वजह से स्कार बन गया है, उसका सक्सेस रेट इट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज ऑफ द पेशेंट. समटाइम्स इट इज 70%, समटाइम्स इट इज 80%, समटाइम्स इट इज 90%. मैम, वो स्पेसिफिक पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता जो पेशेंट्स की एज रेंज होती है, या अगर हम सेक्स के है. बारे में बात करें, तो कौन सा ग्रुप है जो आपके पास फ्रीक्वेंटली आता है? एज ग्रुप जो टैकीकार्डिया का एज ग्रुप होता है, सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया का, वो वेरी करता है. मैंने आपको बताया हार्ट में एक एक्स्ट्रा वायर फिट हो गई है गलती से, तो वो तो जन्म से ही होती है ना. अब वो एक्टिवेट किसी भी टाइम हो सकती है, तो वो जो जन्म से वायर है, इट कैन गेट एक्टिवेटेड एट द एज ऑफ 4 इयर्स और 40 इयर्स और 70 इयर्स. सो इट डिपेंड्स. तो मेरे पास जो एज ग्रुप आता है वो वेरी करता है विद द सुपरा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, जो ऊपर के चेंबर से हार्ट बीट फास्ट होती है, उसके लिए जो पेशेंट्स मेरे पास आते हैं उनकी एज वेरी करती है. अभी मेरे को 2 दिन पहले मैंने एक 10 साल बच्चे को भी देखा था उसके उसी प्रॉब्लम के लिए, और एक 75 इयर्स के मेल को भी देखा जिनका हमने एब्लेशन किया. सो इट वेरीज जनरली. बाय एंड लार्ज स्पीकिंग इट इज द डिजीज ऑफ द यंग पीपल, और बाय एंड लार्ज वो जो क्राउड आता है वो 25 से 40 साल की उम्र का ज्यादा आता है.
मैम And कैसे? as far as yeah, you asked about the gender discrimination also, whether arrhythmias do gender discrimination. Yes, नो supraventricular tachycardia में it is more in females than in males. ओ ओके ओके Yeah, it's the probability is more in females than in males. अगर males में होता है तो उनका ablation वो acceptance जल्दी होती है. Females में होता है तो acceptance थोड़ा late होती है. मैम, जो भी पेशेंट एब्लेशन कराते हैं तो कैसे उनके क्वालिटी ऑफ लाइफ में एक बदलाव आया है? सो अब्लेशन का एक बहुत ही अच्छा बदलाव आता है. व्हेन आई से बहुत ही अच्छा, दिस द अरिथमियाज दैट हैपन, यू नो द फास्टर हार्ट बीट्स, दे आर न्यूसेंस. यू नो आप बैठे हुए हो, आराम से अपने फ्रेंड के साथ गप्पे मार रहे हो, एकदम से शुरू हो गया. आप आराम से थक के सो गए हो, एकदम से शुरू हो गया. इट विल वेक यू अप इन द मिडल ऑफ द नाइट, राइट? सो योर द ट्रिगर्स कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, right? And it actually becomes a nuisance. It gives you a scare to travel. It gives you a scare to be alone. It gives you a scare to not do normal activities, day-to-day activities properly. So ये जो scare होता है ना, ये खत्म हो जाता है. अभी एक पीछे एक लड़का आया था, उसने उसका उसको बहुत पैल्पिटेशंस हो रही थी, बहुत ज्यादा हो रही थी. इनसेसेंट, मतलब इनसेसेंट का मतलब है कि दिन में उसको एवरी आवर में 2-3 बारी पैल्पिटेशंस होती थी. ठीक है, तो इतना आई मीन इट वॉज सच अ बर्डन ऑन हिज हार्ट एंड ऑन हिज लाइफ स्टाइल. मैंने जब उसका एब्लेशन किया, यू नो वॉट ही सेट ऑन द टेबल, आई हैवन फेल्ट बेटर इन माई लाइफ. मेरे पिछले उसको 9-10 महीने से इसी तरह से हो रहा था. कह रहा है मेरे को इतना अच्छा लग रहा है, आई एम फीलिंग सो मच बेटर नाउ. So this was an instantaneous response from the patient. तो ये जब treatment होता है तो quality of life आपकी बहुत अच्छी हो जाती है, because you start to feel better and then you start to you know be more confident in your day-to-day living and doing everything on your own. डॉक्टर अरोड़ा, मैं अभी स्लो हार्ट बीट पर जाना चाहूँगा जिसके बारे में आप बात कर रहे थे अबाउट यूजिंग अ डिफिब्रिलेटर। सो व्हाट इज एट्रियल फिब्रिलेशन, इसके बारे में अगर आप थोड़ा बताएं। सो स्लो हार्ट बीट एंड डिफिब्रिलेटर आर टू डिफरेंट थिंग्स. ओके डिफिब्रिलेटर इज फॉर अ फास्टर हार्ट बीट. ओके राइट। स्लो हार्ट बीट में हम पेसमेकर लगाते हैं. ठीक है, नाउ एट्रियल फिब्रिलेशन इज एन अनदर अरिथमिया. अरिथमिया मतलब बिजली का लोचा ऑफ द हार्ट. ठीक है, हार्ट की बिजली के लोचे को अरिथमिया बोलते हैं, और एट्रियल फिब्रिलेशन इज द मोस्ट चैलेंजिंग अरिथमिया दैट वी हैव टिल नाउ. दिस इज वन अरिथमिया वी हैव नॉट बीन एबल टू कॉन्कर एज येट. इट हैज इसकी प्रिवेलेंस बहुत ज्यादा है, वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत ज्यादा है. हम सोचते थे हमारे यहाँ कम है, लेकिन हमारे यहाँ कम नहीं है, काफी ज्यादा प्रिवेलेंस है. ये अनडायग्नोज जाती है हमारे केसेस में यहाँ पे इंडिया में, लेकिन इसका प्रिवेलेंस काफी हाई है. नाउ व्हाई आर वी स्केयर्ड ऑफ दिस अरिथमिया इज बिकॉज इट हैज लॉट ऑफ कोमॉर्बिडिटीज. व्हेन वी से कोमॉर्बिडिटीज, अरिथमिया एज सच आपको शायद सिम्टम्स देगा हार्ट बीट इरेगुलर होने के. इट्स एन इरेगुलरली इरेगुलर अरिथमिया. सो हार्ट बीट आपकी रेगुलर नहीं चल रही, इरेगुलर चल रही है, आपको सिम्टम्स आ रहे हैं. लेकिन इसका सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन इज दैट इट कॉजेज स्ट्रोक. जो ऊपर का चेम्बर है हार्ट का, वो कंट्रैक्ट नहीं कर रहा, वो फिब्रिलेट कर रहा है. देर इज स्टेसिस ऑफ ब्लड देयर एंड वहां से क्लॉट बन के दिमाग में चला जाता है. सो स्ट्रोक इज द बिगेस्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन एंड दैट इज द मोस्ट स्केरियस्ट कॉम्प्लिकेशन. इसीलिए हम इसको चाहते हैं कि जैसे भी हो जल्दी से जल्दी इसको ट्रीट कर सके, ताकि पेशेंट को स्ट्रोक ना हो, राइट? सो एट्रियल फिब्रिलेशन को ट्रीट करने के बहुत सारे तरीके हैं. पहले तो इसका पॉजिटिव फैक्टर देखना पड़ता है कि ये क्यों हुआ एट्रियल फिब्रिलेशन. क्या कोई वैल्वुलर हार्ट डिजीज है, कोई हार्ट का वैल्व खराब हुआ है उसके साथ ये एट्रियल फिब्रिलेशन हुआ है, या ब्लड प्रेशर के कारण हुआ है, या डायबिटीज के कारण हुआ है, या खून की नाड़ियों के ब्लॉकेज के कारण हुआ है. सो जो भी कारण होता है उसको हम रिमूव कर देते हैं, उसको हम ठीक करते हैं, तो अरिथमिया अपने आप ठीक हो जाता है. लेकिन अगर इसके बावजूद हमें कोई कारण नहीं मिलता और अरिथमिया हो रहा होता है, तो हम मेडिकल थेरेपी ट्राई करते हैं, दवाइयों से इसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं. अगर दवाइयों से कंट्रोल नहीं होता तो इसमें भी
हम रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन करते हैं विद अ गुड सक्सेस रेट। रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन हम इसमें कैसे करते हैं कि लेफ्ट साइड का ऊपर का चेम्बर जो होता है उसमें पल्मोनरी वेन्स खुलती हैं, उनको हम आइसोलेट करके उनका अब्लेशन करते हैं टू करेक्ट एट्रल फिब्रिलेशन। मैम, इन द केस ऑफ स्लो हार्ट रेट, जो आप पेसमेकर के बारे में बता रहे थे, इसको थोड़ा आप एलैबोरेट करके अगर एक्सप्लेन करें कि हाउ इट वर्क्स. माय ग्रैंडफादर इज करंटली यूजिंग अ पेसमेकर, तो आई जस्ट वांटेड वुड लाइक टू नो, यू नो, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी द साइंस बिहाइंड इट, एंड ऑफ कोर्स इट विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल द अदर पीपल आल्सो हु आर वाचिंग दिस. श्योर। सो हर्ष, वी मेक अ स्मॉल इंसिजन इन द चेस्ट। यहाँ चेस्ट वॉल में, स्किन में हम इंसिजन बनाते हैं, इतना सा इंसिजन बनाते हैं। एंड उस इंसिजन में हम वहां पॉकेट बनाते हैं, जैसे आपकी शर्ट के ऊपर पॉकेट बनती है ना, उस तरह की पॉकेट हम स्किन में बनाते हैं जिसमें एक छोटी सी बैटरी फिट कर देते हैं हम। वो बैटरी स्किन में के अंदर फिट कर देते हैं, और जो लीड्स होती हैं, दो लीड्स होती हैं पेसमेकर की, दो या तीन लीड्स जिसका भी लगा होता है, पेसमेकर लगाना होता है, उनको हम वीनस पंचर के थ्रू लीड को हार्ट के अंदर डाल देते हैं, और इन लीड्स को हम इस पेसमेकर पे बैटरी पे कनेक्ट कर देते हैं। ये पेसमेकर की बैटरी एनर्जी देती है जो लीड्स के थ्रू हार्ट को ट्रांसफर होती है, और हार्ट बीट करता रहता है, कंट्रैक्ट करता रहता है। सो इट इज अ प्रोसीजर विच इज डन इन द कैथ लैब। आई वुड नॉट कॉल इट अ सर्जिकल, टोटली अ सर्जिकल प्रोसीजर, बट इट इज अ पार्शल सर्जिकल प्रोसीजर। इट इज डन इन द कैथ लैब। द प्रोसीजर जनरली पेसमेकर का, इट टेक्स अबाउट 40 मिनट्स, एंड देन पेशेंट इज केप्ट इन द हॉस्पिटल फॉर अबाउट 48 आवर्स टू वॉच एंड सी के उनके पैरामीटर्स 24 आवर्स पे ठीक हो, 48 आवर्स पे ठीक हो, एंड देन वी डिस्चार्ज द पेशेंट वंस वी सी द ड्रेसिंग इज हेल्दी एंड द वूंड इज रिकवरिंग फाइन। ये कन्वेंशनल पेसमेकर होता है जो हम सालों से कर रहे हैं। 1967 वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन दिस पेसमेकर वाज इम्प्लांटेड इन द ह्यूमन बॉडी। सो ये पेसमेकर की बैटरी लाइफ होती है 10 से 12 साल, ये बैटरी लास्ट करती है। आपको रेगुलर चेक कराने जाना पड़ता है इसकी बैटरी को एंड इसके पैरामीटर्स को, बिकॉज इट इज अ कंप्यूटर चिप दैट वी हैव इम्प्लांटेड इन द बॉडी। वी नीड टू इंश्योर इट इज फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन। वी कॉल दैट प्रोग्रामिंग ऑफ द पेसमेकर। इट इज इंपॉर्टेंट टू गेट द प्रोग्रामिंग डन एवरी 6 to 8 months। साल में एक बार ही एटलीस्ट आपको प्रोग्रामिंग करानी चाहिए। एंड वी आर एबल टू टेल द पेशेंट्स वेल इन एडवांस जब इसके पेसमेकर की बैटरी की रिप्लेसमेंट की जरूरत होती है। तो वो हम बैटरी हर बार ही हम बैटरी को मॉनिटर करते रहते हैं। जब उसकी बैटरी की रिप्लेसमेंट की जरूरत होती है तो वी आर एबल टू टेल द पर्सन इन टाइम दैट नाउ यू नीड द रिप्लेसमेंट ऑफ द बैटरी, राइट? एंड आई डू पेसमेकर्स इन अ डिफरेंट वे। आई डू पेसमेकर्स विच आर कॉल्ड लीडलेस पेसमेकर्स। आई एम द एक्सपर्ट इन दैट। एंड दिस इज अ स्मॉल कैप्सूल विच इज माउंटेड ऑन अ कैथेटर। एक कैथेटर पे उसको माउंट कर दिया है, एंड देन दिस कैथेटर इज इंसर्टेड इनटू अ शीथ व्हिच हैज बीन पुट इन द ग्रोइन एरिया। फिमोरल वेनस रूट के अकॉर्डिंगली में हम लोग एक पंचर लेके शीथ डाल देते हैं, उसके थ्रू हम ये कैथेटर डाल के वो हम राइट लोअर चेम्बर में एंटर करते हैं, और वहां पे इस पेसमेकर को फिक्स कर देते हैं। एंड देन वी रिमूव द शीथ एंड द कैथेटर एवरीथिंग, एंड पेशेंट इज रेडी टू गो होम विद इन 6 आवर्स। They don't have to stay in the hospital overnight or for 2 days. 6 hours में you can go back home. No cut वट, कुछ काटना वाटने की जरूरत नहीं है। आप टांग की नाड़ी के थ्रू आपने वो लगा दिया पेसमेकर, एंड इट इज गुड टू गो। जिस तरह आई कैन कंपेयर इट विद जैसे स्टेंटिंग करते हैं हम। स्टेंट में भी तो हम एक एक छल्ला छोड़ देते हैं, लगा देते हैं खून की नाड़ियों में, उसी तरह से ये हम कैप्सूल लगा देते हैं राइट लोअर चेम्बर में और कैथेटर को बाहर निकाल देते हैं, एंड इट टेक्स केयर ऑफ द रिदम वेरी वेल। मैम, जैसे कि आजकल तो ऐप का जमाना है, तो किसी भी चीज को आप रिमोटली मॉनिटर कर पाते हो. सो मैम, सेम पेसमेकर के भी केस में होता है जिसमें आप रिमोटली मॉनिटर कर पाते हो चीजें? यस, द रिमोट मॉनिटरिंग इज अवेलेबल विद कंपनीज नाउ। यू कैन डू द रिमोट मॉनिटरिंग। जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं दैट इज काइंड ऑफ रिमोट मॉनिटरिंग ओनली, बट वी हैव टू यूज अ वॉन्ड ऑन द पेसमेकर टू डू द प्रोग्रामिंग। पूरी कंप्यूटर स्क्रीन पे डिस्प्ले आ जाता है पेसमेकर के पैरामीटर्स का,
रिमोट मॉनिटरिंग जो है ब्लूटूथ के थ्रू होती है, इट इज अवेलेबल विद एबट, एंड उसमें एबट इज द नेम ऑफ अ कंपनी राइट, जिसमें ये ब्लूटूथ के से रिमोट मॉनिटरिंग हो सकती है. एंड वी कैन मॉडिफाई द पैरामीटर्स, वी कैन चेक द पैरामीटर्स, वी कैन मॉडिफाई द पैरामीटर्स अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पेशेंट. मांस सो एआई इज बिग टाइम इन कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी नाउ. मैम, सिंस वी आर मेंशनिंग अबाउट एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जी मैम, सिंस या हम एआई के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैम जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया अबाउट कि फास्ट हार्ट बीट के लिए क्या किया जाता है एंड स्लो हार्ट बीट के लिए क्या ट्रीटमेंट किया जाता है, तो मैम टेक्नोलॉजी अभी क्या आने वाली है, क्या क्या एडवांसमेंट हो रहे हैं, जैसा कि आपने एआई के बारे में ही बताया, जिसकी वजह से मेडिकल साइंस में एक नया थिंग्स आर गोना बी अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर फॉर पेशेंट्स एज वेल एज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर डॉक्टर्स ऑल्सो व्हेन दे आर ट्रीटिंग द पेशेंट्स. टेक्नोलॉजी इज एडवांसिंग वेरी फास्ट. जो टैकीकार्डिया की टेक्नोलॉजी है उसमें 3D की और वर्जन्स आ रही हैं. हमारा द वे वी गिव हीट और वी डू रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन दैट इज चेंजिंग. वी आर हैविंग न्यू कैथेटर्स कमिंग इन, वी आर हैविंग न्यू एनर्जी सोर्सेस कमिंग इन. पहले हम लो टेम्परेचर पे देते थे, अब हम हाई टेम्परेचर पे देते हैं. दिस इज कॉल्ड पल्स फील्ड एब्लेशन, वो आ रही है. देन जो 3D मैपिंग के जो है उसमें इम्पीडेंस बेस्ड सिस्टम्स आ रहे हैं, ये मैग्नेटिक रेजोनेंस MR बेस्ड सिस्टम्स आ रहे हैं, जिसमें हम कैथेटर्स को मॉडिफाई कर सकते हैं एंड वी कैन बी मोर प्रिसाइज. सो दीज आर द टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस विच आर अकरिंग इन द टैकी डिवीजन. ब्रैडी डिवीजन में हमारे पास लीडलेस पेसमेकर आ रहे हैं, जो अब दो, एक अपर चेम्बर में एक लोअर चेम्बर में दो अलग कैप्सूल डालेंगे हम. छोटे छोटे कैप्सूल्स हैं जो हम डालेंगे एंड दे विल टॉक टू ईच अदर थ्रू ब्लूटूथ. कैन यू बिलीव दैट? इट्स अमेजिंग. इट इज ऑलरेडी लॉन्च्ड, इट इज कमिंग इन इंडिया इन 2025 एंड इट इज ऑलरेडी लॉन्च इन द वर्ल्ड. लोग कर रहे हैं ये ऑलरेडी. आई मीन इमेजिन, हार्ट के अंदर दो कैप्सूल पड़े हुए हैं, दे आर टॉकिंग टू ईच अदर थ्रू ब्लूटूथ, वाह दे आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर थ्रू ब्लूटूथ. दैट्स वेयर टेक्नोलॉजी इज गोइंग नाउडेज. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू फॉर योर टाइम, बहुत अच्छा लगा आपसे इंटरेक्ट करके, एंड इट वाज ग्रेट यू टॉकिंग अबाउट योर सब्जेक्ट, इट वाज दिख रहा था हाउ विद सर्टेन इंटरेस्ट यू एक्सप्लेनिंग योर सब्जेक्ट, एंड इट पैशन, वाज पैशन हर्षवर्धन, इट्स पैशन. ग्रेट टू सी योर पैशन मैम come forward, and great for us to watch this, and it will be really informational for our viewers. Thank you so much for your time, ma'am.